न्यूमरोलॉजी है क्या मैम? क्या है न्यूमरोलॉजी? व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? इसमें 1 to 9 नंबर्स होते हैं और हर नंबर को एक पैनेट से कनेक्ट करा गया है। हेल्थ इश्यू आ रहे हैं या कोई रेमेडी देनी है तो न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ बता सकते हैं, यहाँ तक कि शादी के बारे में, मैच मेकिंग करने बारे में, सब कुछ न्यूमरोलॉजी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 नंबर है तो हमारे प्लैनेट्स भी 9 हैं। तो कौन सा नंबर किस प्लैनेट को रेफर करता है या कौन सा प्लैनेट किस नंबर को रूल करता है, एक पर्सनैलिटी नंबर है और एक डेस्टिनी नंबर है। तो क्या है पर्सनैलिटी नंबर और क्या है डेस्टिनी नंबर? किस तरीके से आप एक इंसान को बता सकते हो कि क्या आपका पर्सनैलिटी नंबर आएगा और ये क्या डेस्टिनी नंबर आएगा? क्या ऐसा भी होता है कि जो पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर है कभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें ही ना? बेसिकली है क्या ये राहु और केतु? विष्णु जी जो मोहिनी रूप में अवतार लिए हुए थे, एकदम उनको पता चल गया कि ये तो राक्षस है, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। वेलकम टू दी अकल शो। आज हम जानेंगे कैसे एक एक्स्ट्रा के ने यश चोपड़ा जी को पहुंचा दिया बॉलीवुड की पीक पे, कैसे एक एक्स्ट्रा के ने एकता कपूर को बना दिया सीरियल्स की क्वीन, और ये सब रिलेटेड है नंबर्स और न्यूमरोलॉजी से। और इसी के बारे में आज हम हमारी स्पेशल गेस्ट और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट रुचिका सक्सेना जी से जानेंगे। ठीक है मैम, तो आपके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी है क्या मैम? क्या है न्यूमरोलॉजी? व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी जैसे कि सब जानते, न्यूमरोलॉजी मतलब अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र। अंक का मतलब ये है कि नंबर्स, तो नंबर्स की बहुत बड़ा रोल है न्यूमरोलॉजी में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसमें 1 to 9 नंबर्स होते हैं और हर नंबर को एक पैनेट से कनेक्ट करा गया है। अगर सपोज किसी का जन्म 28 को हुआ है तो उसका 28 ना लेके 2+8 करेंगे, 2+8=10, फिर 10 का मतलब 1+0, सिंगल डिजिट में उसे हम 1 लेंगे। तो जब 1 लिया तो 1 नंबर जो होता है वो सन प्लैनेट का है, तो जिसका जन 1 नंबर पे आ गया तो वो उसके अंदर जो ट्रेट्स आएंगे वो सूरज के मतलब राजा वाले गुण आ जाएंगे। राजा क्या होता है? वो होता है दयालु, देशभक्त होता है, आगे बढ़ने की चाह रहती है उसमें, तो इस तरह से आ जाएगा। बाकी और भी जैसे 1 to 9 है नंबर्स, उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके गुण आ जाएंगे। बाकी इसमें पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर भी आता है न्यूमरोलॉजी में जी। और इसमें अगर आप देखें तो न्यूमरोलॉजी में आप किसी की जो प्रेडिक्शन करनी है, मतलब पास्ट की बता सकते हैं आप, प्रेजेंट की बता सकते हैं, फ्यूचर की बता सकते हैं, और इसमें पर्सनल ईयर भी बता सकते हैं आपकी क्या चल रहा है उसका अभी। और बाकी इसमें हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यू आ रहे हैं या कोई रेमेडी देनी है तो न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ बता सकते हैं, यहाँ तक कि शादी के बारे में, मैच मेकिंग करने बारे में, सब कुछ न्यूमरोलॉजी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बोला न्यूमरोलॉजी नंबर्स का खेल है, ठीक है, और 9 नंबर होते हैं, तो ऑब्वियसली 9 नंबर है तो हमारे प्लैनेट्स भी 9 हैं। तो कौन सा नंबर किस प्लैनेट को रेफर करता है या कौन सा प्लैनेट किस नंबर को रूल करता है, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बता सकते हो? हाँ जी, जैसे आपने प्लैनेट्स की बात करी तो 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं और हर एक नंबर का एक प्लैनेट होता है। जैसे 1 नंबर सन प्लैनेट है उसका, 2 नंबर यानी कि मून प्लैनेट हो गया, 3रा नंबर है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, 4था नंबर आता है राहु, राहु प्लैनेट, कुछ स्टेट भी बता दो उसके। हाँ, जैसे 4 नंबर है तो वो होगा दबंग खुरापति, और 5 नंबर यानी कि मरकरी बुध प्लैनेट, बैलेंस का नंबर है ये, और 6 नंबर वो है वीनस शुक्र, और 7 नंबर आ जाता है केतु, शेडो प्लैनेट है, एंड 4 भी है बता देती हूँ, एंड 8 नंबर सैटर्न यानी कि शनि, जजमेंट बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, और 9 नंबर यानी कि मार्स मंगल, तो मंगल मतलब कहना चाहिए कहते हैं कि लीड करते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं, सेनापति जैसे बोलते हैं, सो मतलब ये 9 प्लैनेट हमारे हो गए।
तो नंबर्स हैं, आपने एक चीज और बोली थी पहले जब आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में समझाया था कि एक पर्सनैलिटी नंबर है और एक डेस्टिनी नंबर है। हाँ जी। तो क्या है पर्सनैलिटी नंबर और क्या है डेस्टिनी नंबर? किस तरीके से आप एक इंसान को बता सकती हो कि क्या आपका पर्सनैलिटी नंबर आएगा और ये क्या डेस्टिनी नंबर आएगा? हाँ जी जी बिल्कुल। जैसे अगर पर्सनैलिटी डेस्टिनी की बात करी जाए तो सपोज किसी का टोटल डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसमें हम न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, तो सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1978, ठीक है, तो उसका जो पर्सनैलिटी नंबर, मतलब जो पर्सनैलिटी को बोलते हैं मूलांक जी, तो 1+8=9, तो 9 नंबर जो होगा वो उसका पर्सनैलिटी नंबर मतलब मूलांक होगा। और जो डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक, उसको कैलकुलेट करने के लिए पूरा टोटल जो नंबर है डेट ऑफ बर्थ का वो काउंट करेंगे, जैसे 1+8 एंड ईयर, डेट मंथ एंड ईयर, जैसे 1+8+7+1+9+7+8, ठीक है, उसको टोटल हमने किया, फिर जो टोटल आया उसको हमने सिंगल डिजिट में किया, तो सिंगल डिजिट में हमने जब कर दिया उसको तो 5 नंबर आया, तो 5 नंबर डेस्टिनी हो गई, 5 नंबर डेस्टिनी मतलब भाग्यांक। और हमारा ये जो डेस्टिनी है, जो भाग्यांक है, वो 28 से 32 के बीच में एक्टिवेट हो जाता है। ये बहुत मतलब लोगों को नहीं पता होता, तो वो हमारा जो भाग्य है वो हमारे साथ में रहता है, ये हमारे मैरिज के लिए, हमारे कैरियर के लिए बहुत बहुत हेल्प करता है, वो आगे तक हमारे साल भी रहता है का ये 32 वाला 28 से 32 फिक्स है कि हर पर्सन का वो जो एक्टिविटी वाला नंबर है वो उस वक्त काम करेगा। हाँ, वो काम कर रहे हैं। और क्या ऐसा भी होता है कि जो पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर है कभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें ही ना, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, कुछ नंबर जैसे होते हैं कि अगर मैं कहूँ कि सपोज पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर एनिमी नंबर पे हो, तो जैसे सपोज मैं कहूँ कि एनिमी नंबर पे 8 and 1, 8 पर्सनैलिटी हो गई या 1 हो गई, या फिर 1 पर्सनैलिटी हो गई 8 डेस्टिनी हो गई, तो मतलब कहना चाहिए कि वो एनिमी नंबर है एक दूसरे के, तो जो लाइफ होती है वो मतलब कहना चाहिए काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाती है। तो बाकी वैसे अगर देखा जाए तो डेस्टिनी 1 अगर है किसी की, तो डेस्टिनी 1 वाला बहुत बहुत अच्छा करता है, वो लीडर होता है लाइफ में, मतलब कुछ भी सिचुएशन होगी उसको कंट्रोल कर लेगा, वो बहुत बहुत अच्छा करता है। ठीक है, ठीक है मैम। जैसे अभी आपने मुझे बताया कि 1 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली हर नंबर का एक प्रोस है, एक कॉन्स है, मतलब कि कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं, तो आप कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में एलैबोरेट कर सकते हो कि कौन से नंबर के क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं? ओके, जैसे 1 to 9 नंबर्स हैं, हर प्लैनेट से कनेक्ट है हर नंबर, तो 1 नंबर सन से कनेक्ट है, सन प्लैनेट से, तो 1 नंबर जो होता है वो हमेशा मतलब आगे बढ़ने की इसकी चाह रहेगी, वो सफलता के लिए रहेगा, वो हमेशा काम करेगा, अगर पॉजिटिव देखा जाए तो हमेशा काम के लिए, घर के लिए उसको लगाव होगा। और नेगेटिव इसका अगर देखा जाए तो इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और बाकी सब बढ़िया है इसका। और सेकेंड नंबर जो आता है मून प्लैनेट का, जो सेकंड नंबर के जो लोग होते हैं 2 नंबर के, तो मतलब उनके अंदर इंट्यूशन बहुत गजब होता है, बहुत बढ़िया, और मतलब वो पता लगा लेंगे कि सामने वाला वो मतलब उसके बारे में पूरा। और प्लस अगर देखा जाए तो उनको ना बनने संवरने का शौक बहुत होता है, हाँ ग्रूम रहने का शौक होता है। और नेगेटिव की अगर दूसरा देखा जाए तो इनको मतलब कहना चाहिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कहेंगे थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा वो कर दो, हेल्प हाँ थोड़ा सा चाहिए होती है दूसरों से, थोड़ा सा उम्मीद इनको रहती है हाँ दूसरों से। और फिर नेगेटिव में इनका देखा जाए तो एक्चुअली इनको थोड़ी सी कुछ एडवाइस भी दूंगी मैं कि लोगों से थोड़ा सा उम्मीद कम रखें और अपने पर भरोसा रखें, विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रांग रखें, क्योंकि इनके अंदर जो आर्ट है ना वो कोट कोट के भरी हुई है, तो अपनी हाँ बहुत अच्छा हाँ इंट्यूशन पावर है, सब कुछ अच्छा है, तो अपने आपकी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें
और थर्ड नंबर जो है वो आता है जुपिटर बृहस्पति का। तो ये लोग जो होते हैं गुड एडवाइज़र होते हैं, बहुत अच्छा सा जो काम दोगे उसको अच्छे से करेंगे, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। और इनका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये लोग ना आर्गुमेंटेटिव होते हैं, थोड़ा सा आर्गुमेंट्स करते हैं। तो बस इनका एक यही है कि अगर ये लोग आर्गुमेंट करना बंद कर दें या कम कर दें तो इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो उनके हाथ से नहीं जाएंगी, ठीक है। और जो फोर नंबर वो आ जाता है राहु का, ये भी शैडो प्लेनेट है। तो ये लोग जो होते हैं वो दबंग होते हैं, फरापाती होते हैं, मतलब डरते नहीं है ये लोग। और हाँ, अपना काम खुद करेंगे, हेल्प नहीं लेंगे ये लोग। और ये लोग जो चार नंबर के लोग, इनको हाथ से जो चीज़ें बनाने का शौक बहुत होता है। हाँ, कुछ भी, चाहे खाना बनाने का शौक होगा इनको, चाहे ड्राइंग आर्ट वगैरह बनाने का, हाथ से करने का शौक होगा इनको। प्लस इनका अगर नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो ये लोग, मतलब कहना चाहिए कि दबंग तो होते ही हैं, दिमाग इनका चलता ही रहता है, ठहरता नहीं है। और कहीं पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो किसी भी सिचुएशन हो तो उसको वो कंट्रोल करना जानते हैं। हाँ, और फाइव नंबर जो होता है वो होता है बैलेंस का, मरकरी बुध प्लैनेट से। ये लोग इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं और इनको, मतलब कहना चाहिए, अगर ये किसी हेल्प करते हैं तो मतलब उस सामने वाले के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वार्थी नहीं होते ये लोग, दोस्ताना स्वभाव होता है इनका। फाइव नंबर के लिए अगर बोलूँ तो मतलब कहना चाहिए ये ऑलराउंडर होते हैं। और फाइव नंबर के लिए एक नेगेटिव छोटा सा बता ही देती हूँ मैं कि ये लोग कहना चाहिए ये घर का, मतलब पारिवारिक काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ, बाकी हाँ ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है इनका। हाँ, बैलेंस है बिल्कुल। सिक्स नंबर जो आता है वो वीनस शुक्र प्लैनेट। तो ये लोग अगर थोड़ा सा बोला जाए कि इनको थोड़ा सा बनने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, अपने आप को बहुत अच्छे से बना के रखते हैं ये लोग, और मतलब दिखावा पसंद होते थोड़ा सा। दो और छः मिक्स कर सकते हैं? नहीं नहीं, दो और छः मिक्स नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, फेम के नहीं कह सकते दोनों को। नहीं नहीं, दो और छः को थोड़ा सा अगर बोला जाए तो हाँ अलग है ये, थोड़ा सा एनिमी नंबर पे चले जाते। और सिक्स नंबर जो है वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होते हैं। अगर एक चीज़ और बोलूँ तो ये थोड़ा सा बैड एडवाइज़र भी हाँ हो सकते हैं लोग। और बाकी नेगेटिव में हाँ तो बैड एडवाइज़र, लेकिन एक पॉजिटिव की तरफ भी अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, ये अपने घर वालों से, फैमिली वालों से बहुत बहुत प्यार करते हैं ये लोग। हाँ, अपने बच्चों से, फैमिली से, मतलब हेल्पफुल होते हैं, मतलब हेल्पिंग नेचर होता है इन लोगों का। सेविंग ऑफ द सिस्टर, तो वो शेडो प्लैनेट है जैसे केतु है, ये लोग दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। और मतलब कहना चाहिए इनके पास, मतलब कहना चाहिए सॉरी, इनको अगर बोले तो ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज़्यादा। और इनको धोखा मिलने के थोड़े चांसेस मतलब रहते हैं। तो बाकी अगर देखा जाए सेवन नंबर को, तो ये लोग ना अपने राज दबा के रखते हैं, शेयर नहीं करते, इंट्रोवर्ट कैसा असर। हाँ, और इनके लिए नेगेटिव अगर इनका, हाँ नेगेटिव यही है कि, और एडवाइस इनके लिए है कि ये लोग थोड़ा सा मतलब लोगों पे विश्वास करके फिर, मतलब उनको कोई भी चीज़ जानने के बाद फिर ही उन्हें विश्वास करें लोगों को, क्योंकि ये धोखा मैंने बता दिया, मिलने के चांसेस उनको रहते हैं। एट जजमेंट का नंबर है। तो जैसे मतलब इनको स्ट्रगल रहती है, सैटर्न का नंबर है, सैटर्न प्लैनेट से कनेक्ट है, तो स्ट्रगल मतलब रहती है इनकी लाइफ में। जजमेंट बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। मोदी जी भी अगर मैं कहूँगी तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उनका नंबर एट है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और नाइन नंबर मार्स यानी कि मंगल, मंगल को मतलब कहते हैं कि ये जो होते हैं लीडर होते हैं, मतलब कहना चाहिए उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाएगा, कमांडर इन चीफ होते हैं, सेनापति होते हैं लोग। तो इस तरह से हमारे जो वन से लेकर नाइन प्लैनेट ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैम, जैसे अभी आपने चार नंबर का और सात नंबर का बताया, राहु और केतु इम्पॉर्टेंट भी है न्यूमरोलॉजी में बहुत, तो बेसिकली है क्या ये राहु और केतु? राहु केतु एक शेडो प्लैनेट्स हैं एक्चुअली,
और इनके लिए एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ इनकी। एक पुरानी कथा है, ये समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो उसका वितरण भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप में अवतार लिए हुए थे, वो देवताओं को उसका वितरण कर रहे थे। तो एक राक्षस बैठा हुआ था, तो वो देख रहा था कि यहाँ पे तो अमृत का पान हो रहा है, तो उसको भी ये अमृत पीने की लालसा हुई, लेकिन वो देवताओं के बीच में तो बैठ नहीं सकता था। तो उसने देवताओं का वेश धारण करके वहीं पे लाइन में देवताओं के उस लाइन में वेश बना के बैठ गया देवताओं का। तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी रूप में थे, अवतार लिए हुए थे, तो वो जब वितरण कर रहे थे उसका अमृत का, तो देवताओं को देने के बाद फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो भी बैठे हुए, तो उसको भी दे दिया। फिर उन्होंने जैसी ही कुछ घूंट पी उस राक्षस ने जो कि देवताओं के वेश में था, तो कुछ घूंट जैसी ही ली तो एकदम से उनको विष्णु जी जो मोहिनी रूप में अवतार लिए हुए थे, एकदम उनको पता चल गया कि ये तो राक्षस है। तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो क्योंकि वो अमृत पी चुका था तो उसका जो शरीर था वो जीवित रह गया, तो उसका जो शरीर दो पार्ट्स में हो गया, ऊपर का पार्ट राहु कहलाया और जो नीचे का पार्ट था वो केतु कहलाया। तो ये इस तरह से इसके जो राहु और जो केतु, हमारे जो दो शेडो प्लैनेट्स हमारे 9 प्लैनेट्स में आते हैं। और राहु और केतु को कहा जाता है कि राहु अपने दिमाग से सोचता है और केतु अपने दिल से सोचता है, क्योंकि ऑब्वियसली हेड तो है नहीं, ठीक है। तो जो राहु है और केतु है, क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, कुछ ये बता सकते हो आप? कि कोई अगर दिल से सोच रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा इंसान है, हम कह सकते हैं, है ना। और अगर कोई दिमाग से सोच रहा है, ऐसा नहीं है वो बुरा है, लेकिन वो पहला अपना सोचेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हो? जैसे राहु के बारे में अगर मैं कहूँ, वैसे तो दोनों ही शेडो प्लैनेट्स हैं, लेकिन राहु की बात कहूँ तो राहु मतलब कहना चाहिए दबंग है, खुरापाती है, दिल से सोचता है वो, सॉरी दिल से नहीं, दिमाग से सोचता है वो, क्योंकि ऊपर का सिर है उसके पास में, दिमाग से सोचता है, ठीक है। तो और जो केतु प्लैनेट्स है, जो केतु अभी मैंने जो बात बताई थी, उसकी कहानी बताई थी, तो उसके पास सिर नहीं है, धड़ है, तो वो जो भी कुछ भी सोचेगा वो दिमाग से नहीं सोचेगा, वो दिल से सोचेगा, क्योंकि इसके पास धड़ है। तो लेकिन दोनों प्लैनेट्स जो हैं, इम्पोर्टेंस दोनों की है, हाँ इम्पोर्टेंस दोनों की है, ठीक है। तो मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डेस्टिनी नंबर, एक पर्सनालिटी नंबर और एक होता है कार्मिक नंबर, तो वो कार्मिक नंबर क्या है, कुछ आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड कार्मिक नंबर। ओके, पर्सनालिटी नंबर जैसे कि मैंने बताया था कि हाँ पर्सनालिटी, जैसे अगर किसी का जो डेट है जिसमें बर्थ हुआ, सपोज किसी का 9 को हुआ तो 9 नंबर उसकी पर्सनैलिटी हो गई, या अगर किसी का डेट हुई 17 तो 17 को हम 1 + 7 = 8, 8 आया तो 8 नंबर पर्सनैलिटी हो गई। एंड डेस्टिनी जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि टोटल डेट ऑफ बर्थ को करा तो इस तरह से हो गया। लेकिन कुछ नंबर्स हमारे होते हैं वो होते कार्मिक, कार्मिक नंबर उनको बोला जाता है कि उसके बारे में कि जैसे वैसे तो हमारा जो हर इंसान को जो जन्म हुआ है वो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हुआ है, उसको भोगने के लिए हुआ है कर्मों को, ठीक है ना। तो कुछ मतलब कहना चाहिए इसके बारे में, हमारे कुछ शास्त्रों में कुछ बातें हैं, लेकिन इसको आम इंसान तो नहीं पता चल पाएगा उसको, लेकिन हमारे अंक विज्ञान के दृष्टिकोण से कुछ जो डेट्स हैं वो उसमें बताई गई हैं, जैसे 10, 13, 14, 16 and 19, ये कार्मिक नंबर कहा गया है। वैसे कहा गया है कि ये जो डेट्स हैं कि उनको मिली है जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म ना किए, हाँ तो इसलिए मिली है, कहते हैं कि उनको पितृदोष लगा हुआ है, तो इसलिए उनको, उन्होंने अपने पितरों को भी धोखा दिया गया है। और बाकी जो मैंने आपको डेट बताई 10, 13, 14, 16 and 19, उसमें से जो 10 डेट है वो अपनी कर्ज उतार चुका है, अब जैसे ही वो अपने अगर अच्छा करेगा तो उसको अच्छा मिलेगा, अगर उसने अच्छा नहीं किया तो उसका फिर से होगा, क्योंकि हाँ हाँ क्योंकि बिगनिंग उसकी अभी चल रही है, बिगनिंग क्योंकि वो पिछले जन्म के अपने कर्म उतार चुका है, हाँ भोग चुका है,
क्योंकि परमात्मा क्या करते हैं, वो हमें वैसी ही सिचुएशन देते हैं, हमें वही परिस्थितियाँ देंगे, मतलब कि हम इसमें अगर हमने बुरा किया तो फिर से हमारे साथ में फिर बुरा होगा। तो अपने कर्म मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी करें बहुत सोच समझ के और अच्छे करें। अच्छा, कार्मिक नंबर जैसा आपने बताया कि वो नंबर्स हैं जो कि अपने प्रीवियस पास्ट के जो कर्म हैं वो लेकर आ रहे हैं आगे, ठीक है। तो क्या आप किसी ऐसे इंसान को देख के ये बता सकते हो कि प्रीवियस इसने क्या कर्म करे हैं, अच्छे या बुरे, और ये अब जो इसका चल रहा है साल या फिर जो भी इसका नंबर है उसके अकॉर्डिंग कब इसका वो वाला टाइम आएगा जब इसका वो जो चीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो सर्कल कंप्लीट हो चुका है? तो ऐसा कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में, जिससे मैं कहूँ आप पर्सनल ईयर से आप रिलेटेड आप पूछ रहे हैं मेरे से, कार्मिक नंबर से रिलेटेड पूछ रही हूँ कि आप किसी इंसान को ऐसा देख के बता सकते हो कि अब मतलब उसका लास्ट जो होता है ना एक सर्कल कब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपने बताया 10 जी, तो ऐसे और कोई लोग हैं जिनको आप देखते ही बता दो और या फिर उनके इस कार्मिक नंबर से बता दो कि इसका पास्ट क्या था या ये कब खत्म होगा ऐसा? वो मैं उसकी एक्चुअली जो देखती हूँ वो महादशाएं देख के मैं बता देती हूँ, मैं बाकी उसका पर्सनल ईयर जो भी चल रहा है उसके हिसाब से बता दूंगी, पीछे क्या हो चुका वो उसका ग्रेड बना के मैं आराम से वो बता देती हूँ, प्रडिक्शन कर देती हूँ मैं, और वो उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। वो मैं उसका डेट ऑफ बर्थ, कोई भी अगर मुझे बताता है तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, उसका ग्रेड बनाती हूँ, दोनों ग्रेड बना देती हूँ मैं उसके, और बाकी और भी चीज़ें होती हैं जैसे लोशो ग्रेड हो गया या एस्ट्रोनॉमिकल ग्रेड हो गया, पर्सनल ईयर हो गया, मैं बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं वो देख के प्रडिक्शन कर देती हूँ मैं कि पीछे क्या हो चुका है, अभी क्या चल रहा है, महादशाएं देख लूँगी मैं और आगे का भी मैं उसको देख के बता सकती हूँ। हाँ जी। अच्छा मैम, दूसरी चीज़ ये है कि न्यूमरोलॉजी आजकल आपने देखा होगा नेम न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, ट्रेंड में है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या है, लोग क्या करते हैं अपने नाम में या तो एक अक्षर हटा लिया या दो लगा लिए, चार लगा लिए, ठीक है, तो उससे क्या वो क्यों करवाते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट ही ऑब्वियसली सजेस्ट करते हैं, हम अपने आप से तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी नहीं पता हम कहाँ सूटेबल बैठेंगे उस नंबर पे। तो वो क्यों होता है और वो किस तरीके से आप असाइन करते हैं किसी भी इंसान को वो नंबर? एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि नंबर्स हमारे जो नेम के होते हैं वो देखे जाते हैं कि नंबर्स हमारे जो लेटर्स हैं वो किस तरीके से हमारे हैं, कहीं हमारे जो नाम है वो एनिमी नंबर पे डेस्टिनी पर्सनैलिटी के हिसाब से एनिमी नंबर पे है या नहीं है वो देखा जाता है। अगर वो एनिमी नंबर पे आ रहे हैं तो आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें अड़चनें आएंगी, उसमें बाधाएं आएंगी, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो कुछ अल्फाबेट हम देखते हैं तो उसको पर्सनैलिटी डेस्टिनी के फ्रेंडली नंबर जो होते वो देख के फिर उसका जो लेटर्स जो होते हैं अल्फाबेट मतलब जो नाम के वो उसको उस हिसाब से हम कर देते हैं कि डबल ए लगा दिया, डबल आर लगा दिया, कुछ भी करके उसको सेट कर देते हैं जिससे कि उसको अपने फ्यूचर में या आपका प्रेजेंट जो भी कुछ अच्छा चल रहा है वो अच्छा कर पाए, जो भी काम कर रहा है चाहे वो बिजनेस हो गया उसका कुछ भी, तो उसके लिए अच्छा रहता है काफ़ी, और बहुत हेल्प करती है न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेम न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हम अपना नेम चेंज कर रहे हैं ऑब्वियसली, बचपन से लेके जो स्पेलिंग लिखते आए हैं अब वो डिफरेंट हो गई, तो जो बचपन में हमने स्पेलिंग लिखी है अपनी वो तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में चढ़ी हुई है, है ना, तो अब जो हम चेंज करते हैं नेम तो वो हमें कहाँ करना चाहिए, मतलब उन डॉक्यूमेंट्स में ही चेंज कर लें या फिर जैसे हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है वहाँ पे चेंज कर लें, ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल तो नहीं है कि अगर हम वहाँ भी ना चेंज करें और यहाँ चेंज कराएं तो ऐसा कुछ? बताती हूँ उसका। एक्चुअली सपोज किसी का नाम, नेम न्यूमरोलॉजी हमने करी, ठीक है, किसी का नाम जैसे एनिमी नंबर पे है या कुछ सेट नहीं है उसका, हमने कुछ डबल ए लगा दिया, डबल आर लगा दिया, डबल ई लगा दिया, कुछ भी हमने चेंज करा, ठीक है, अब आपके बैंक में भी नाम लिखे हुए हैं, आपके कॉलेज में भी स्टूडेंट है तो कॉलेज में लिखा होगा, तो वो नंबर तो जो नाम है वो तो आपके सब जगह चल रहा है, ऑफिस में भी चल रहा है, तो आपको कहीं पर भी कुछ चेंज नहीं करना, आपने नाम चेंज करा अपना, आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर करना है, व्हाट्सएप पे करना है और फेसबुक पे करना है, इस तरह से आप अपना जो कार्ड होता है विजिटिंग कार्ड उस पे चेंज कर सकते हैं। हाँ, बाकी आपको कहीं किसी डॉक्यूमेंट में, बैंक में, किसी जगह आपको चेंज नहीं करना, ऑफिस में कहीं पे भी, तो ये नाम आपको जितना आप उसको सोशल मीडिया पे जो मैंने बताया फेसबुक, हम लोगों से कनेक्ट रहते हैं, हाँ
वो आपको वहाँ पे करना है चेंज, और अब बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं करना। और डेफिनेटली इसके रिजल्ट बहुत बहुत पॉजिटिव आते, बहुत अच्छा होते। न्यूमरोलॉजी चेक कर लेनी चाहिए या न्यूमरोलॉजी से करा लेनी चाहिए कि आपका नंबर कहीं एनीवी नंबर पे तो नहीं है। हाँ, तो जिससे आपके कहीं ऐसा ना हो कि वो बिजनेस में या आपको करियर को लेके, हाँ करियर को लेके आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो। और नेम न्यूमरोलॉजी के साथ साथ ही लोग आजकल तो अपने फ़ोन नंबर्स भी न्यूमरोलॉजी के साथ लेने लगे हैं, अपने व्हीकल नंबर्स भी उसके साथ लेने लगे हैं, प्लस अपने बैंक अकाउंट नंबर्स भी उसके साथ लेने लगे हैं। तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है, उसका भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। अब जैसे अगर आपने फ़ोन की बात कही, फ़ोन में क्योंकि आजकल काफ़ी कुछ हमारा फ़ोन से ही चलता है, बिजनेस चल रहा है, तो फ़ोन नंबर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं फ़ोन नंबर की बात करूँ तो उसमें सपोज़ जैसे 10 डिजिट में आप ये देखेंगे कि आपके जो नंबर्स हैं, मतलब कहना चाहिए कि वो दो दो बार आ जाए। हाँ ठीक है, आपके जैसे आपने ग्रिड बनाया, अगर मैं शुरू से बताऊँ, आपने कोई ग्रिड बनाया आपने, ठीक है, लोशो ग्रिड बनाया, आपके कुछ मिसिंग नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, मिसिंग नंबर आपने उसमें फिल कर दिए, इस तरह से डबल हो गए वो, ठीक है। और बाकी आपका जो देखा जाता है दो दो बार आ जाए नंबर, ये तीन तीन बार, चार बार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और लास्ट की जो दो या तीन डिजिट है वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे लास्ट की जैसे तीन डिजिट अगर लीजिए तो दो एग्जांपल दे रही हूँ, 2 5 7 इस तरह से असेंडिंग में हो गया, इस तरह से आ जाए, अच्छा है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे कि 5 के बाद 2 आ रहा है वो गलत है। अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर सेम में भी आ रहा है, जैसे 5555 आ गया तो भी ठीक है। बाकी और मेन जो देखने वाली बात है इसमें, वो ये देखते हैं कि आपका जो टोटल 10 डिजिट है उसको आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपका पर्सनैलिटी से, डेस्टिनी से फ्रेंडली आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वो नंबर आपकी फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है, एनीवी नंबर पे नहीं, एनीवी नंबर पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि नंबर्स का बहुत बड़ा, मैंने बताया था बहुत बड़ा रोल है ये, ठीक है। अच्छा, अब एनिमी इसकी बात चल रही है, फ्रेंड्स की बात चल रही है, तो कपल्स की बात तो चलेगी, ठीक है। तो बेस्ट कपल कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, तो कुंडली ना भी मैच करो तो ये तो मैच होने ही चाहिए, तो इसका क्या रोल होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर कपल कॉम्बिनेशन? बेस्ट कपल का अगर मैं कहूँ, क्योंकि लॉन्ग रिलेशनशिप हम देखते हैं इसमें, ठीक है, तो उसमें मेन हम देखते हैं कि जैसे सबको हस्बैंड वाइफ है, तो उसके हमने दोनों की डेट ऑफ बर्थ ली, दोनों की डेट ऑफ बर्थ लेके हमने दोनों के ग्रिड बनाए, ठीक है। उसमें फिर ग्रिड बनाने के बाद जो मिसिंग नंबर हस्बैंड के हैं या वाइफ के ग्रिड में जो भी हैं, ठीक है, तो वो वाइफ की तरफ से फिल हो जाए, एक नंबर आ जाए, हस्बैंड की तरफ से दूसरे ग्रिड में फिल हो जाए, मतलब एक एक नंबर एक दूसरे को फिल करें, जाना चाहिए वो, एक एक जाए, दो दो जाए, तीन तीन जाए, अच्छी बात है, लेकिन एक नंबर जरूर जाना चाहिए, एक एक नंबर दोनों की तरफ से आना चाहिए, जो शादी होती है वो बहुत अच्छी जाती है वो। और अगर ना जाए तो? फिर ना जाए तो फिर वो, अगर फिर तो वही कह सकते हैं कि वो नेगेटिव हो गया। और कुछ रेमेडीज तो आपसे फिर में, हाँ रेमेडीज होती है उसकी, फिर वो रेमेडीज होती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ऐसा कहना चाहिए है सब्जेक्ट कह लीजिए उसको, कि इसमें अगर कोई भी अगर वीकनेस है तो हर चीज़ की रेमेडी भी है, और रेमेडी जो होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव, मतलब अगर कोई परेशान भी है किसी भी रीज़न से, चाहे वो प्रोफेशन को लेके, मैरिज को लेके, या अपने जो ईयर कुछ भी चल रहा है, पर्सनल ईयर चल रहा है कुछ भी, तो मतलब उस हर चीज़ की रेमेडी आप हाँ कर सकते हैं, और वो रेमेडी से फिर लाइफ कितनी ईजी हो जाती है। एक क्वेश्चन था मैम कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, सेम डेस्टिनी नंबर है, सेम पर्सनैलिटी नंबर है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और लाइफ कैसे, मतलब जो मैरिज लाइफ है वो कैसे चल सकती है, स्मूथ चलेगी या फिर थोड़े डिस्टर्बेंस होगा, तो वो कैसा रहता है? अच्छा, अगर सेम नंबर पे, अगर डेस्टिनी भी सेम, मतलब एक नंबर आप सेम मान लीजिए, चाहे पर्सनैलिटी नंबर चाहे डेस्टिनी नंबर, इस समझ के आपका क्वेश्चन कि सपोज मैं कहूँ अगर किसी का पर्सनैलिटी हस्बैंड का 1 नंबर है जी, ठीक है, और वाइफ का भी सेम 1 है, ठीक है, तो 1 नंबर आपको बताया था जैसे कि ईगो होता है, हाँ तो लीडर होता है, ईगोइस्टिक होता है, तो दोनों लीडर हैं, दोनों ही ईगो हैं, तो आप सोचो अगर दो लोग अगर सेम नंबर के होंगे, दोनों के अंदर ईगो होगी,
ठीक है, दोनों दबेंगे नहीं, ठीक है, तो आप समझ जाइए तो फिर वो कैसा चलेगा। तो इसलिए दोनों नंबर, हाँ, अगर उसी तरह हम कलर्स की बात करें, न्यूमरोलॉजी है तो कलर्स भी होंगे, क्रिस्टल भी होंगे, तो कलर्स किस नंबर के लिए कौन सा लकी कलर होता है, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हो कि कौन सा कलर कौन से नंबर को सूट करेगा अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स। अच्छा, कलर्स की बात अगर, जैसे मैं बता देती हूँ कि कुछ कलर्स जो होते हैं जैसे पर्सनैलिटी के, जैसे नंबर होते हैं, जैसे मैं कहती हूँ मेरे लिए 9 नंबर जैसे हूँ मैं, ठीक है, तो रेड जो कलर होता है अच्छा है मेरे लिए, रेड पहना भी आपने, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, तो 9 नंबर पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी से रिलेटेड कभी भी कोई भी चीज़ गिफ्ट में या दान में नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। रेड सपोज मैं कहूँ साड़ी देनी किसी को, कुछ गिफ्ट करना है तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, और डेस्टिनी से रिलेटेड वो चीज़ कभी भी किसी को गिफ्ट दान नहीं देना चाहिए। ग्रीन कलर, जैसे अगर किसी का 5 नंबर है तो ग्रीन कलर नहीं देना चाहिए, ठीक है, ग्रीन में ग्रीन कलर के जैसे कोई भी कपड़ा आ गया कुछ भी, ठीक है। बाकी कलर्स में अगर कुछ और भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर दे रही हूँ, कुछ भी फल हो गए वो भी कर सकते हैं, जैसे दान में आप थोड़ा सा बचे उनसे, अवॉइड करें उसको। बाकी 6 नंबर जैसे होता है, मैं कुछ थोड़ा सा बता दूँ थोड़ा सा कि लोग जिसे जानेंगे, जैसे 6 नंबर जैसे किसी के पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो वो सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे वो कपड़े वो दान नहीं करें, परफ्यूम्स जैसे होते हैं वो गिफ्ट नहीं करें किसी को, तो वो चीज़ें उनसे बचे हैं। तो बेसिकली जो नंबर के अकॉर्डिंग आपको कलर सूट कर रहा है आपको वो दान में नहीं देना, पर्सनैलिटी डेस्टिनी से रिलेटेड कभी भी कोई चीज़ दान में नहीं देनी चाहिए, गिफ्ट में नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैम देखिए, न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया है और मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी ख़त्म हुई है, अभी भी काफ़ी कुछ जानना बाकी है। तो आज के लिए तो लेकिन हम इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारा टाइम चाहिए ऑब्वियसली। तो फिर आज जो आपने मुझे बताया और हमारे व्यूवर्स को भी बताया, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि सबको अच्छी भी लगी होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, अपने बारे में भी जाना मैंने 7 नंबर कैसा होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू, आपके साथ ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ डू शेयर आर पॉडकास्ट टू योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।